सो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं हमारे साथ जो बैच है मई 5th के है ना भाई आप लोग? थोड़ा आवाज कहाँ तक जाना, घर तक? मई 5th बैच है तो एक बार जोरदार सबके लिए क्लैप्स। क्या बात, क्लैप्स इसलिए है ताकि 20 दिन से दिन रात एक करके सब लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, है ना भाई? कैसा रहा 20 दिन का सफर? अच्छा रहा? अब जाके काम कर सकते हैं सब लोग? अच्छा, इनकम कितने गुना बढ़ जाएगी ये लेवल पे काम करेंगे? ज्यादा बढ़ेगा। कितने ज्यादा बढ़ेगी अब के बाद? बोलो भाई, 3 गुना। मजा आया कि नहीं आया? आया मजा? जाके पूरा इंडिया में धूम मचाना है कि नहीं? ये काम करके अपना दिखाना है लोगों को और पूरा इंडिया को हिला देना है। हिला देंगे? क्या बात है। तो यहाँ पे आज सबसे पहले हम केक काटेंगे क्योंकि ये एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। केक काटेंगे, उसके बाद आप लोगों का आज दिन बहुत, मतलब आज का जो दिन है आप सबके लिए, सर्टिफिकेट ले रहे हैं आप लोग जो 20 दिन से मेहनत करे उसका रिजल्ट है। और जो आप कस्टमर का मोबाइल बनाएंगे, जो चेहरे पे खुशी आएंगी, जो पैसा आएगा, वो असल में रिजल्ट है इसका, है ना भाई? जो 20 दिन से मेहनत कर रहे हैं। और ये सीखना क्यों ज़रूरी है थोड़ा सा बताओ, अपडेट होना क्यों जरूरी है थोड़ा सा आप ही सामने बताओ। सर, जैसे कि पहले हम लोग सब काम नहीं कर पाते थे, बट अब लेटेस्ट आ जा रहा है फोन, तो हमें अपडेट होने की जरूरत है। मोबाइल खुद सिखा रहा हमको हर बार, एंड्रॉइड वर्जन क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है सर। अपडेट हो रहा, मोबाइल खुद सिखा रहा। भाई तू भी हो जाए मेरे साथ, नहीं तो नोकिया के जैसा पीछे हो जाएंगे। पीछे हो जाएगा। तो इसमें से कोई नोकिया बनेंगे? नहीं सर। सब लोग क्या बन गए अभी? वन प्लस, ओप्पो, वीवो, आईफोन बन गए? यस सर। एक बार इनके लिए क्लब भेजूंगा। चलो सबसे पहले हम लोग केक कट करेंगे और आ जाओ आप लोग, आ जाओ फटाफट, चार पांच ठहर जाओ, आ जाओ थोड़ा ठहर जाओ, आ जाओ, उसके बाद फिर बैठ जाएंगे आराम से। अरे कहाँ है भाई नाइफ, कहाँ पे? वही है, ले लो दो लोग फटाफट। देखो चल के फोन फिक्स हैदराबाद 5th में बैच करो भाई, चार पांच लोग पकड़ के आराम से हाथ कांप रहे उसके। ठीक है तो अपन सो डे लास्ट है, ठीक है? तो एक दो अल्फाज हमारे लिए बोलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आ जाओ आकेश राजेश भाई पटेल, जोरदार क्लास। फोटोज निकालो। ठीक है तो आकाश आप कहाँ से है और 20 दिन का सफर, एक दो अल्फाज बताइए। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ और ट्रेनिंग बहुत ही है यहाँ की, अच्छी है। और पहले मैं आया था तभी मुझे कुछ आता नहीं था, मैं फ्रेशर ही था, मैंने काम नहीं किया था। अभी मैं ICB रिवॉल्व कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ट्रेसिंग भी कर सकता हूँ। और 60-70% तो आज गया है, बाकी तो घर जाके मेहनत करके मैं प्रैक्टिस करके मैं सीख लूँगा। बाकी पूरा ऑल ओवर कैसा रहा 20 दिन का एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, प्रैक्टिकल भी अच्छा होता है, थियरी भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर का क्लास भी अच्छा हुआ है। अहमदाबाद? अहमदाबाद उतनी दूर से यहाँ हैदराबाद आए?
ऊपर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है गुजरात में, दिल्ली में, वहाँ नहीं गए आप, यहाँ क्या लगता? नहीं, मैंने इंक्वायरी की थी सब जगह पर, वहाँ पे एक दो घंटा बिठा देते दिन में, पूरे दिन में, और मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा। पर यहाँ पे मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब में और लाइव भी देख रहा था फेसबुक में, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं इधर आया। जो लाइव देखते थे वैसे ही था कुछ अलग? ना ना, सेम ही था, जो लाइव में दिखाते थे वही। गुजराती में थोड़ा सा बताओ, क्या बोलना चाहेंगे? जो लोग आवा मांगता हो आई जाओ बिंदास, क्या सुधी कैपेसिटर काटी काटी शॉर्टिंग करता रहसो, आई नहीं आई जो कई रीतना ट्रेसिंग थाई जाए, कई रीतना आया, क्यारे क्यों रजिस्टर लगाओ, क्यारे क्यों कैपेसिटर काटी, क्या जम्पर मारू, एक बार आई जाओ, बहुत सारू है यहाँ। अने फी जे भरी है वसूल थी जैसे, अने गया पछी अफसोस नहीं थाय के नहीं भाई आऊ थू तेव थू, पैसा मारा बर्बाद थी गया एवं नहीं लगे। एक बार जोरदार क्लास, थैंक यू वेरी मच आकाश, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, सत्या ब्रदा, सत्या के लिए जोरदार क्लैप्स, उड़ीसा। अरे दो अल्फाज फोन फिक्स के लिए अपना एक्सपीरियंस बताओ, कहाँ से आप थोड़ा सा बताइए? गुटका का रेट? नहीं, गुटका नहीं, ठीक है। मैं उड़ीसा से हूँ, पहले बोलना चाहूँगा जय जगन्नाथ उड़ीसावासी। और बता दो थोड़ा सा हिंदी में भी बता दो। मुझे ओडिया भाई का कहूँ जय जगन्नाथ, ओडिया टेक्नीशियन मैंने जो मैंने शिखा चाहते प्रॉपर पूरा ठीक से মানে যে কোনসি কাম অধা রই যাওচি তোমার কোনসি আকু বাটু যাওচুন্দি আকু জায়গা যাওচুন্দি এডি আসুন্দু শিখি কি আরাম সে যাওন্তু কিছু অসুবিধা নাই। জব আপ আয়ে থে অর আপ মে কিতনা ডিফারেন্স আ গয়া? আবি তো বহুত ডিফারেন্স আ গয়া। আইসিওম কি বাত করু, কোন সে কোন সে আইসিওম পে কাম কর লিয়া? ডাবল ট্র্যাকার কা কাম কর লিয়া অর ব্ল্যাক পেস্টেড কা কাম ভি কর লিয়া, হোয়াইট পেস্টেড কাম কর লিয়া, নরমাল কা ভি काम कर लिया। ऑन करें या खाली डेड मोबाइल? नहीं नहीं, ऑन के ऑन फोन पे करें जी सर। बाकी सर्किट वगैरह कैसा सिखाए यहाँ पे? सर्किट डायग्राम वगैरह? सर्किट डायग्राम बहुत अच्छा है, बहुत डीप से भी सिखाते हैं। सागर सर के बारे में क्या बोलते? सागर सर को तो पहले से भी बोल चुका हूँ और एक बार बाकी एमएमसी में तौफिक सर कैसा थे? तौफिक सर तो बहुत कहते हो, मतलब क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात बोलता हूँ, फोन फिक्स का वादा, परेशानी कम आमदनी ज़्यादा। क्या बात है, जोरदार क्लैप, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशन। थोड़ा ये एकदम नहीं करना, ऐसा नहीं करना। नहीं गुरु हमें नहीं। ये थोड़ा क्या जाने का दिन भी है, थोड़ा अफसोस भी रहता, ठीक है, ऐसा भी है इसको। आयाज मंसूरी के लिए जोरदार क्लैप्स। कांग्रेचुलेशंस। आयास दो अल्फाज बताओ, आप कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे? कोई बच्चे अगर आना चाह रहे हैं आपके जैसे या यहाँ सीखने के लिए, उनको तो आ सकते हैं सर बिंदास, मैं तो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका हूँ जी। जो सोच के आए थे मिला आपको? उससे ज़्यादा मिला सर, मैं जो सोचे थे उससे ज़्यादा मिला। पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? पैसा वसूल हुआ। और कई महाराष्ट्र से या ऑल ओवर इंडिया से बच्चे क्या है ना, बहुत जगह जा रहे हैं, छोटा कोर्स देख रहे, कम फीस है सोच रहे ऐसा, उसके बाद जब सपोर्ट ले रहे तो उनको बोल रहे हैं कि आगे फिर से दोबारा बड़ा वाला कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि ये छोटा कोर्स था, बेसिक था, अब आपको एमएमसी का एडवांस का कोर्स करना है या हार्डवेयर में भी चिप लेवल एडवांस करना है, तीन दिन बार फीस ले रहे, तो ऐसे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे जा रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं सर, हम भी सर तो छः महीने पहले से हम सब सर्च कर रहे थे सब जगह पे, तो हमारा तो दिल्ली जाने का फिक्स भी हुआ था, मगर हमने उधर कैंसिल किया और हैदराबाद को फिक्स किया इधर जी। तो हम छः महीने सर्च करे, सबके वीडियो देख ही रहे थे हम। अच्छा, सबके कमेंट्स आपको इंडिया में पूरे फोन फिक्स में? नहीं, फोन फिक्स जो जो जेन्युइन चीज़ है वही बताते हैं, जो उधर चल रहा है उधर, आप जो फोन फिक्स के जो स्टूडेंट थे पहले के उनसे भी हमने बात की थी पहले जी, तो उन्होंने कहा कि बेस्ट है, पुराने स्टूडेंट भी अच्छा रिव्यू दिया। हाँ जी जी। अगर आपसे अगर कोई पूछे आने वाले स्टूडेंट तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? आ सकते बिंदास, आ सकते, पैसा वसूल ट्रेनिंग है। अगर अब मैं बात करूँ आईसीओ पे, क्या क्या आईसीओ पे काम कर लिया आप? पेस्टेड भी किया, विदाउट पेस्टेड भी किया, डबल डेकर भी बनाया मैं। तो पहले जब आए थे ये सब कुछ रिवॉल्विंग वगैरह? मुझे तो मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था पहले कि मैं बना सकता हूँ, मगर
कोशिश कर करके मैं डबल डेकर भी इधर ऑन किया मैं। फर्स्ट डे जब आए थे आपको रिवॉल्विंग सिखाए थे हम लोग, और आप आज ब्लैक पिस्टेड व्हाइट पिस्टेड भी ऑन कर लिए, ब्लैक पिस्टेड भी कर लिए, डुअल डेकर भी बना लिए, ये कोई फेक बात तो नहीं है भाई? काम किया ना इसने, मेहनत की है, चीज को समझे, और हर कोई कर सकता है यहाँ पे, है ना? तो अभी कैसा फील हो रहा है, इतना सब ऑन कर लिए, सब कर लिए आप? ऐसा लग रहा है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका हूँ मैं। तो अभी जाके आपकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी अगर ये लेवल पे काम करेंगे? पैसा वसूल ले। और डायग्राम वगैरह कैसा सिखाया आपको? डायग्राम समझ में आ रहा है सर, सब पूरा अभी समझ में आ रहा। पहले जब आने के टाइम पे इतनी सारी लाइनें होती थी, नहीं वो नहीं समझ सकते, कुछ नहीं समझ में आता था। बाकी पहले तो डायग्राम के भी कुछ आइडिया नहीं थी, इधर आने के बाद ही समझ में आया क्या है सिमेटिक, क्या चल रहा है, लेआउट क्या है, डायग्राम क्या है। सागर सर का ट्रेनिंग भी जबरदस्त था सर। सागर सर को देख के हम तो अपडेट हुए अभी। सागर सर ने हमको जैसे बताया वैसे हमने आईसी रिवॉल्व किया, पहले विदाउट पेस्टेड किया, फिर पेस्टेड किया, फिर डबल डेकर भी सक्सेस किया उसके बाद। सॉफ्टवेयर तो हम पहले करते थे लेकिन मैं 7-8 साल से हमने बिल्कुल मैंने लैपटॉप खोला ही नहीं था 7-8 साल से। तो उसके बाद अभी इधर आया था उसके अंदर लैपटॉप में मेरे को फंक्शन में समझ में नहीं आ रहे थे कौन सा फंक्शन किधर है, क्या डिवाइस मैनेजर किधर है, वो भी ओपन समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। तो इधर आने के बाद 2-4 दिन में तो सब समझ में आ गया, और सॉफ्टवेयर जैसा सर सिखा रहे एकदम आसान आसान ट्रिक्स बता रहे, आसान तरीके से समझा रहे, तो एकदम पूरा प्रॉपरली समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, खाली थ्योरी पढ़ाते हैं कि प्रैक्टिकल भी होता है? पूरे नॉलेज प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होती है, और सॉफ्टवेयर का भी अच्छे से नॉलेज दे रहे पूरा A to Z। मतलब एक कोई भी बंदा आया तो अच्छे से सीख के जा सकता है? जी जी, जितने भी क्वेश्चन थे हमारे दिल में ये सब सॉल्व हो गया आज पूरे टोटल। और उसके बाद जो ज़्यादा भी समझ में आया उधर ज़्यादा भी सीखने को मिला, हमारे क्वेश्चन तो उधर सॉल्व हो ही गए, इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आए भी नहीं थे वो भी सॉल्व हो गए। मैं डे वन से सबको ये बोलता हूँ कुछ क्वेश्चन है तो लास्ट पेपर में लिख के रखो, और तुम्हारे कोर्स के दरमियान पूरा क्लियर हो जाता है, इसके बाद भी कुछ छूटता है तो कभी भी पूछ सकते हैं ऐसा। तो मेरे हिसाब से तो सबका क्लियर हो ही गया होगा। एक बार इनके लिए अयाज के लिए क्लास, थैंक यू वेरी मच अयाज, कंग्रेचुलेशंस।